ट्रिक्स और ट्रीट। आओ बेटा ट्रीट दूंगी। आंटी ये सब नकली है ना, ये खोपड़ी, ये झोपड़ी, ये छोटी छोटी बच्चों की खोपड़ी है। बेटा ये सब फूड भी असली है, मजेदार लग रहा है ना, आओ बनाना सिखाऊंगी। आंटी ये तो मॉन्स्टर बर्गर है ना। चलो पहले इसी से शुरुआत करते हैं। मॉन्स्टर बर्गर बनाने के लिए मैंने लिया है ये आलू, जिनका मैंने कुचुंबर निकाल दिया है फोक की मदद से। इसके बाद आंसू निकालने के लिए हमने डाली है बारीक कटी हुई प्याज, और हाँ ये हरी मिर्च भी डाली है जो कानों से धुएं निकाल देगी। मॉन्स्टर बर्गर की बॉडी के लिए डालेंगे इसमें मसाले। मसालों में मैंने यहाँ पे डाला है नमक, लाल मिर्च, खूब सारा चाट मसाला और काली मिर्च। इन सबको आपस में मिला लेंगे। इसके बाद मैंने हल्का सा इसमें तेल डाला है। अब मॉन्स्टर बर्गर की बाइंडिंग के लिए हमने यहाँ पे ब्रेड ली है, जिसे हल्का सा पानी में नमी करके इसमें तोड़ के डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें कुछ और भी मिला सकते हैं, जैसे कॉर्नफ्लावर या ब्रेड क्रम्स, ताकि हमारी टिक्की आपस में बाइंड रहे और उसके चिथड़े ना उड़े। अब इन्हें डालेंगे हम नरक की आग में। ओहो डरो मत, यानी कि अब हम इन्हें सेकेंगे गरम गरम तवे में। अब हमें इन्हें तब तक सेकना है जब तक ये दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन ना हो जाए। मीडियम फ्लेम में 5 से 7 मिनट में आप देखेंगे कि ये हो गए, तो आप इन्हें बाहर निकाल दें और थोड़ा सा फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। इसके बाद अब हम बर्गर के बंस लेंगे और इनको असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। बर्गर के ऊपर सबसे पहले लगाए हमने ये लेक्टस के लीव्स, उसके ऊपर जो हमने टिक्की तैयार की थी उसे रख देंगे। अब एक खीरे को बीच से लंबा काटते हुए मैंने बना दी मॉन्स्टर की टंग, यानी कि जुबान। अब मॉन्स्टर के पैने और नुकीले दांत बनाने के लिए मैंने जो चीज की स्लाइस है उसे जिगजैग ट्रायंगल में इस तरीके से काट लिया है और प्लेस कर दिया है बर्गर के ऊपर। टमाटर और प्याज की स्लाइस के बाद यहाँ पे मैंने लगाया है ये खूनी केचप। इसके बाद हम टिक्की को ऊपर रख देंगे और ऑलिव और टूथपिक की मदद से मैंने बनाई है मॉन्स्टर की आईज। ये लो तैयार है हमारा मॉन्स्टर बर्गर। ये ले बेटा, अच्छे से खाना और बताना कैसा लगा। आंटी मैं इसकी टंग भी खा जाती हूँ। बेटा, जो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते ना, उनकी काट के दिए मैंने। आंटी मैंने सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन भी प्रेस किया हुआ है, माँ कसम। तो चलो बेटा तुम बच गई, अब तुम खा के बताओ और मैं बना के बताती हूँ। ये तो बहुत ही कुरकुरी है आंटी, मजा आ गया। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया आधी कटोरी मेल्टेड बटर और उसमें डाला आधा कटोरी पाउडर्ड शुगर। अब इसे बीटर की मदद से बीट करेंगे तब तक जब तक कि इस तरीके का फ्लफी ना दिखने लगे। 2 से 3 मिनट में ये हो जाता है, तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 कटोरी मैदा और 1/2 TSP बेकिंग सोडा। अच्छे से छानने के बाद अब इसका डो तैयार करना है। तो मैं हाथों की मदद से इसका डो बना लूंगी। हो सकता है कि आपका डो बने ना, कोई बात नहीं, आप हल्का सा दूध डालकर इसका डो लगा लें। तो डो बन गया है, अब इसे आधे घंटे तक फ्रिज में छुपा दें। फिंगर्स के नेल्स बनाने के लिए हम लेंगे बादाम और उसे बीच से काट देंगे। और यहाँ पे आधा घंटा भी हो गया है, तो फिर से डो को निकाल कर एक बारी फिर से मांड लेंगे। अब छोटा छोटा डो लेके इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। अब उंगलियों की मदद से 2 गड्ढे बनाएंगे और गड्ढों की स्पेस में चाकू की मदद से इस तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। आगे जो हमने गड्ढा किया है उसमें चिपकाएंगे ये बादाम। Thank you.
सारी उंगलियों को शेप दे दी है। और यहाँ पे मैंने अवन को पहले ही प्रीहीट कर लिया था 180 डिग्री में 10 से 15 मिनट के लिए, और मैं इन्हें बेक करने डाल दूंगी 180 डिग्री में 20 से 25 मिनट के लिए। अब ये हमारी मॉन्स्टर उंगलियाँ हैं, तो ये हैं खूनी उंगलियाँ, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर से दिया है इन्हें खूनी इफेक्ट। अब बनाते हैं ये घोस्ट नूडल। नाम का ही घोस्ट है बड़ा टेस्टी। तो लेना है हमें पानी लगभग 1 लीटर, उसमें डालना है तेल और नमक ताकि ये नूडल्स हमारे चिपके ना। अब हमें इन्हें तब तक बॉईल करना है जब तक कि नूडल्स हमारे कुक ना हो जाएं। तो लगभग आप देखेंगे 6 से 7 मिनट में नूडल्स हमारे कुक हो गए। तो कुक होते ही क्या करना है, गैस करना है बंद, नूडल्स को डालना है छन्नी के ऊपर और फिर गर्मा गर्म नूडल्स में डालना है ठंडा पानी उन्हें ठंडा करने के लिए ताकि चिपके ना। अब ये जाएंगे मौत के कुएं में यानी कि कढ़ाई में। यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच तेल और इसके गर्म होते ही इसमें डाला है बारीक कटा हुआ लहसुन, लंबा कटा हुआ अदरक और मिर्च, और जैसे ही ये थोड़े से हल्के गुलाबी हो जाएं, इसमें डालेंगे लंबी कटी हुई गुलाबी प्याज। अब आप इसमें चाहे तो बाकी वेजीज भी काट सकते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर नूडल्स को वेजीज पसंद नहीं है तो हमने नहीं डाली। अब इसमें डाला है नमक, लाल मिर्च और हल्दी जो कि है मसाले। इनको थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें डालेंगे ये खूनी केचप। केचप डालने के बाद जो बाकी हमारी सॉसेस होती हैं वो भी डाल देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने डाली है 1 बड़ी चम्मच सोया सॉस, ग्रीन चिली और विनेगर। हाई फ्लेम में इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए चलाते रहेंगे और जैसे ये हो जाएगा इसमें डालेंगे नूडल्स, और नूडल्स को हमें 1 से 2 मिनट के लिए इसमें टॉस करना है। और यहाँ पे हमारी ये नूडल्स तो तैयार हो गए, लेकिन अभी इन्हें मॉन्स्टर बनाने के लिए करते हैं कुछ ट्रिक। अब मैंने एक पैन में डाला है ये मॉन्स्टर, राउंड कलर का इसका फेस बना लिया है। अब 2 छोटी टिक्की मैंने बर्गर से बना ली थी। आंखें बनाने के लिए पहले मैंने मूली की आंखें निकाल ली, फिर मैंने चॉकलेट बॉल्स और अनार से बना दी इसकी गोटियां आंखों की। इसके बाद मैंने चीज स्लाइस से बनाए इसके दांत। ये वाला मॉन्स्टर बहुत जबान चला रहा था इसीलिए मैंने इसकी जबान काट दी। बेटा, कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम अब यही कह दो गई हो, खाओ पियो ऐश करो। कोई